ओला सराज चल रहे हैं, कराएं आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौए को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृ दोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा जाए। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृ दो पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर लगा। जैसे पीपल के पराग से पितरों की शांति होती है, पराग जानते हो पीपल के, पीपल के पेड़ के नीचे कभी बैठ के देखना आप लोग, अगर बैठे हो तो थोड़ा थोड़ा पानी झड़ता रहता है अपने आप, हल्का हल्का सा पानी झड़ता है, कभी महसूस करा है आप लोगों ने? पीपल के पेड़ के नीचे बैठना, हल्का हल्का पानी झड़ता रहता है। उस पीपल के पराग, पीपल के पेड़ के नीचे थाली रख दो, उसमें जो पराग झड़े, पीपल के पेड़ का पानी झड़े, उस पानी को पानी में मिलाकर दरवाजे पर अगर सांतिया बना दिया जाए तो पितृ दोष समाप्त हो जाता है। पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए, क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए, और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में, जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में, जिस जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृ दोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए, उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष की प्रदोष, कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो, तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए
आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए, और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए महाराज। उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। वो स्वस्थ हो, औषधि